अब देखिए, जब से 24 की चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, सियासत का मैदान कुरुक्षेत्र बना हुआ है। हर तरफ एक से एक बड़े महारथी हैं जो अपने सामर्थ्य से चुनावी रुख बदल सकते हैं। मेरे पीछे आपको ये दो टीमें दिखाई दे रही है, मोदी के सुपर एट और राहुल के सुपर एट। एक टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। सुपर एट की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपर एट है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के सुपर एट है। कौन कौन है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन किस टीम में कौन सा महारथी है ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस वक्त सारे चेहरे पर आपको प्रश्न चिन्ह लगा दिखाई दिया था कि किस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ हर गोले में एक चेहरा छिपा हुआ है जो वक्त के साथ दिखने लगेगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि रिपोर्ट में दोनों टीम के पहले और दूसरे नंबर के वो खिलाड़ी हैं जिनकी भूमिका इस चुनावी महासंग्राम में बहुत अहम है। चौबीस की चुनावी लीग शुरू हो चुकी है। एक तरफ मोदी के फाइटर्स हैं तो दूसरी तरफ राहुल के फाइटर्स, लेकिन जीतेगा वही जो दिखाएगा दम, क्योंकि एनडीए का लक्ष्य जहां 400 पार का है, जिसे हासिल करने में टीम मोदी ने पूरा दम खम लगा दिया है। लेकिन एनडीए अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचेगा, इसका बहुत कुछ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिका है, जो कि टीम मोदी के सबसे उपयोगी खिलाड़ी हैं, जो अकेले पूरा खेल बदलने का दम रखते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा, हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कि दिस इज ए फर्टाइल ग्राउंड, बड़ी उर्वर भूमि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज के दिन में राम मंदिर का मुद्दा एक, योगी का गवर्नेंस एक दूसरा, और तीसरा नरेंद्र मोदी का जो बेनिफिशियरीज तक जो पहुंचा है, लाभ का, उनकी योजनाओं का लाभ, मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को जोड़ने और कोऑर्डिनेट करने के कारण उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी की वो 80 सीट जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। बीजेपी को लगता है कि अगर उसने यूपी की सभी सीट जीत ली तो उसका मिशन 400 इजी हो सकता है, और इसमें ब्रांड योगी का अहम रोल हो सकता है, क्योंकि जब से योगी ने यूपी के मुख्यमंत्री की कमान संभाली है, योगी हर परीक्षा में खरा सोना साबित हुए हैं। सच पूछिए तो भारतीय राजनीति में ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक जो है वो आप तभी जा सकते हैं जब आप लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश को आप ठीक से जीत लें। इस बार ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि राम मंदिर प्लस योगी का जो गवर्नेंस मॉडल है, खासकर कानून व्यवस्था लागू करने, जितने जो अतिवादी लोग थे, अपराधी किस्म के लोग थे, जो गैंग वार चलाते थे या जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में बहुत बड़ी जिनकी हिस्सेदारी थी, वो सारे या तो मारे जा चुके हैं या जेल में हैं। और एक समय था जब अखिलेश राज के समय जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर वन पे होता था, बहुत नीचे खिसक गया है। योगी कितने बड़े फैक्टर हैं, इसे ऐसे समझिए कि 2019 में बीजेपी के सामने एसपी और बीएसपी का गठबंधन था, जो बीते ढाई दशक में नहीं हुआ था, वो 2019 में हुआ था। लेकिन ब्रांड योगी के सामने न हाथी चला न साइकिल। बीजेपी की सीटें 2014 के मुकाबले जरूर थोड़ी कम हुई, लेकिन वो 64 सीटें जीतने में सफल हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी का 50% वोट इंटैक्ट रहा था, जो योगी की सबसे बड़ी सफलता थी। और इस बार ब्रांड योगी की ताकत और ज्यादा बढ़ी है। उनके बुलडोजर मॉडल और माफिया पर तुरंत एक्शन की चर्चा यूपी ही नहीं पूरे देश में होती है। ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना, कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या?
कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा, मालूम है ना? जैसे यूपी में बीजेपी की सियासत का केंद्र बिंदु योगी हैं, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार हैं, क्योंकि बिहार की 40 सीट यूपी के बाद सबसे अहम है। पिछली बार बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर 39 सीटें जीत ली थी और इस बार ये लक्ष्य 40/40 का है, यानी हर एक सीट जीतने का है, जिसके लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार से फिर एक बार हाथ मिलाया है। उधर नीतीश कुमार भरोसा दिलाने में लगे हैं कि अब छोड़कर नहीं जाएंगे। जानते हैं कि जब से हम लोगों को मौका मिला 2005 के नवंबर में, अब तब से लेकर के और हम लोग बीजेपी के साथ ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब बीच में तो दो जगह इधर उधर हो गए थे, लेकिन फिर वापस हो गए हैं। अब इधर उधर होने वाले नहीं है, अब शुरू से हम लोग एक साथ काम किए। एनडीए के सामने जो इंडिया गठबंधन खड़ा है, कभी उसके ध्वजवाहक नीतीश कुमार ही थे, पर सियासी घटनाक्रम इस कदर बदला कि चेहरे बदल गए। अब सवाल बड़ा है, क्या नीतीश बिहार में मोदी के लिए उपयोगी साबित होंगे? 2019 में ये 12 पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ आ जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों एक साथ आती है तो लगभग सूपड़ा साफ कर देता है। तो ये अंतर कैसे आया? ये जो नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ आना हुआ, ये परिवर्तन जो है वो लेकर के आया। तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में भी चूंकि नीतीश जी साथ साथ आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक आध दो सीटें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 के जो अपनी सफलता है उसे दोहराएगा और नीतीश कुमार उसमें एक बड़े फैक्टर साबित हो रहे हैं। अगर मोदी की टीम में योगी और नीतीश जैसे चेहरे हैं, राहुल की टीम में भी स्टालिन जैसा स्टाइलिश नेता है जो अपने दम से पूरे तमिलनाडु को साध सकता है, क्योंकि तमिलनाडु ही वो किला है जो 2014 और 2019 की आंधी में भी नहीं हिला है। मौजूदा वक्त में तमिलनाडु के अंदर डीएमके की सरकार है और अगर 2019 के स्ट्राइक रेट की बात करें तो डीएमके सबसे टॉप पर थी और इस बार राहुल की बड़ी उम्मीद स्टालिन पर ही टिकी है। देखिए, ऐसा है, तमिलनाडु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है पूरे देश के लिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए या राहुल गांधी के लिए नहीं। आप एक बात को समझिए कि तमिलनाडु में डीएमके का वोट परसेंटेज करीब 37-38% के आसपास डीएमके को वोट मिलते हैं और 6-7% वोट कांग्रेस को भी मिलते हैं और सीट्स भी काफ़ी डीएमके को पिछले चुनाव में मिली, कांग्रेस को भी 18-20 सीटें मिली, 19 सीटें शायद। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों का जो वोट प्रतिशत है वो 42-43% के आसपास तमिलनाडु में है, तो इसलिए स्टालिन भी महत्वपूर्ण है। यानी स्टालिन राहुल की टीम में पहले पायदान पर हैं, जो सनातन के मोर्चे पर बीजेपी को सीधी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन में स्टालिन का कद अखिलेश से भी ऊंचा है? अब अखिलेश से ज्यादा महत्वपूर्ण स्टालिन है, इस तरह सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि दक्षिण की राजनीति में जो महत्व स्टालिन का है, उत्तर भारत की राजनीति में वही महत्व अखिलेश यादव का है। स्टालिन का शायद उत्तर प्रदेश में उतना असर नहीं है, अखिलेश का तमिलनाडु में नहीं है। तो राहुल गांधी के लिए स्टालिन अखिलेश यादव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको इस तरह देखना ठीक नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति का अपना महत्व है। दरअसल राहुल की टीम में दूसरे नंबर का जो खिलाड़ी है वो कोई और नहीं अखिलेश यादव ही हैं, जिन पर यूपी की 80 सीट का दारोमदार है, क्योंकि बीजेपी को रोकना है तो यूपी में अखिलेश को कुछ बड़ा करना होगा। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, के लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे, दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो। मुश्किल ये पिछले दो चुनाव में 5 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पाई है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में किया, उससे इंडिया गठबंधन की उम्मीद थोड़ी बढ़ी है।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।